हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इनके स्ट्रक्चरल और मॉलिकुलर फार्मूला लिख सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि इन कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया गया है और व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन। इन सब में जो भी चेन बनेगी, जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उनमें कार्बन एटम्स कितने होंगे, ठीक है। और हमारा जो मेन, मतलब इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है, वो है कि आपको जैसे लिख दिया एथेनोइक एसिड, तो इसमें आपको मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, और सेकेंडली इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये जो नाम लिखे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे, या इस चेन में एथेनोइक या ब्रोमोपेंटेन जो लिखा है, इसमें कितने कार्बन जो है यूज किए जाएंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो 12 है, बट आपको कोई 6 तक याद करना है। 6 तक नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, जैसे फर्स्ट, मतलब अगर चेन में एक कार्बन है तो आप मेथ बोलोगे, दो कार्बन है तो एथ बोलोगे, तीन है प्रोप, फोर कार्बन के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, और जब सिक्स कार्बन होंगे किसी चेन में तो उसको हेक्स बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? तो देखो, ये सब आपको मालूम चल गया कि अगर C1, C2, C3, C4, C5, C6, मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन्स लिखे हैं कि कितने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेथ, ठीक है, नाम याद करने हैं इनके, कि जब एक कार्बन होते हैं तो मेथ बोलते हैं, दो कार्बन होते हैं तो एथ बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेथ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो देखो, मेथ मतलब एक कार्बन लिया, और अब देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और ये मैं बता चुका हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कैसे फाउंड आउट करनी है मेरे लास्ट वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लेना, ठीक है। वैलेंसी 4 होती है, यानी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और शेयरिंग के लिए हम हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास बन रहा है C1 और H4 बन रहा है, क्योंकि 4 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, सो इसको सिंपली हम लिखेंगे CH4। अभी हम एथ की बात करें, एथ मतलब दो कार्बन। अब इसकी वैलेंसी को हम क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है, जो भी आइटम्स मतलब बॉन्ड बन रहे हैं वहां पे हम एच लिखते जाएंगे, ठीक है। पर यहां पे ध्यान रखना, जैसे पहले CH4 था, अब यहां पे C2 है और H हमारे पास 8 होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि C के लिए 4 हाइड्रोजन, तो C2 के लिए 8 हाइड्रोजन। बट बीच में देखो C और C बॉन्ड, ये C और C बॉन्ड, ये दोनों आपस में मिल गए, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम लेस लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा C2H6। अब प्रोप की बात करें, तो हमारे पास तीन कार्बन, सबकी वैलेंसी बनाएंगे हम 4-4 करके, ठीक है। अब जो भी बच रही है जगह, वहां पे हमें सिंपली एच लिख देना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है C3, तो एच हमारे पास होंगे तीन तीन छ, सॉरी 4 12, 12 होने चाहिए, पर बीच में दो यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ पे देखो सी और सी और सी और सी, मतलब 4, 12 में से 4 गए तो 8 रहते हैं, यानी 8 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, या आप सिंपली काउंट भी कर सकते हो, 3 3 6 और ये 2 8। ब्यूट में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, तो चारों की वैलेंसी हम इस तरह से लिख देंगे, और यहां पे हमारे पास फार्मूला आएगा C4H10। इसी तरह जब हमारे पास पेंट लिखा होगा, मतलब 5 कार्बन, सबके ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे एच के साथ, और ये बन जाएगा हमारे पास C5H12। हेक्स लिखा होगा कहीं पे, तो हमें 6 कार्बन लेने हैं, ठीक है, और इस तरह से हाइड्रोजन इनके साथ अटैच कर देना, तो हमारे पास बनेगा C6H14, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि जहां पे मेथ लिखा होगा वहां पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, जहां पे एथ लिखा होगा वहां पे दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन, राइट। तो ये प्रोप के लिए इस तरह से, और ये ब्यूट के लिए, ये पेंट के लिए, और ये हेक्स के लिए।
अब देखो इन सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, यानी यहाँ पे हमारे पास इतना होगा हमें मेथेन, राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे मेथेन, यानी यहाँ पे देखो सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो मेथ का बन जाएगा मेथेन, ठीक है, मेथ का बन जाएगा मेथेन, एथ का बन जाएगा इथेन, प्रोप का प्रोपेन, ब्यूट का ब्यूटेन, पेंट का पेंटेन और हेक्स का हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड लगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे मैंने, जैसे फर्स्ट है हेलोजन, सेकंड इज अल्कोहल, थर्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ इज एल्डिहाइड एंड फिफ्थ इज कीटोन। आपको ये पांच फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है किसी कंपाउंड में यूज किया गया है, ठीक है, जैसे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड, हमें कैसे लगेगा पता। देखो फर्स्टली देखो जब हेलोजन ग्रुप, मतलब हेलोजन ग्रुप का जो चेन होता है वहां लास्ट में हमारे पास लिखा होता है Cl, Br और I, ठीक है, तो जहां भी चेन में कहीं पे हमें Cl, Br और I दिखेगा लास्ट में, तो इसका मतलब है कि ये हेलोजन फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करेगा चेन। एल्कोहल में लास्ट में हमारे पास OH लगा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास होता है C OH लिखा होता है लास्ट में, या फिर इस तरह से स्ट्रक्चर आता है हमारे पास C OO और साथ में OH। जब एल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास आता है CHO, या इसको इस तरह से लिखा होगा C OO फिर H। और कीटोन में क्या होता है कि सबसे पहले, सॉरी बीच में हमारे पास C OO आता है, ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है उस चेन में हमने यूज किया है, ठीक है। तो अब देखो ये जो Cl, Br और I लिखा है ये लास्ट में आता है, OH भी लास्ट में लिखा होता है, ये भी, पर जो कीटोन है जहां पे C OO लिखा है ये हमेशा बीच में आता है, लास्ट में नहीं आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता है, ये आता है इन बिटवीन, ठीक है। और जब देखो हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे हैं, जब भी हेलोजन फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो और I को आइडो बोलते हैं, ठीक है। और एल्कोहल में जब लास्ट में OH लगा होता है तो इसको पढ़ने के लिए हम OL का यूज करते हैं, जैसे एथेनल, मेथेनल, इस तरह से, राइट। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो इसको लास्ट में हम ओइक बोलते हैं, ठीक है, ओइक। जब एल्डिहाइड की बात आती है तो इसको हम लास्ट में AL बोलते हैं, और जब कीटोन की बात आती है तो लास्ट में इसके साथ ओन लगता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि हेलोजन फंक्शन ग्रुप होगा तो लास्ट में Cl, Br और I आएगा, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ब्रोमो क्लोरो आइडो। एल्कोहल में चेन के लास्ट में OH दिखाई देता है और इसको रीड करते हैं हम ओल। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में C OO आता है और इसको पढ़ते हैं हम ओइक। एल्डिहाइड में CHO आता है लास्ट में और इसको पढ़ते हैं हम अल। और कीटोन में बीच में आता है C OO और इसको हम ओन पढ़ते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो बारी बारी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये लिख दिए मैंने हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जहां पे डबल बॉन्ड आता है स्ट्रक्चर में तो उसको एल्कीन्स बोलते हैं, यानी एन्स साथ में लगेगा, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको एल्काइन्स बोलते हैं, यानी आयन लगेगा लास्ट में। तो देखो परफिक्स, जब हेलोजन ग्रुप के साथ कोई चेन बनी होगी तो वहां पे Cl, Br और I लास्ट में लिखा होगा, और जब हम इनको रीड करेंगे तो पहले इनका नाम लेंगे, जैसे ब्रोमो क्लोरो या आइडो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपली मैंने बनाया हुआ प्रोपेन, अब यहाँ पे लास्ट में अगर हम लिख दे Br, तो जब इसको हम रीड करेंगे तो हम पहले बोलेंगे ब्रोमो, ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो का मतलब है Br फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो लगा है साथ में, ब्रोमो ही रीड करेंगे। प्रोप का मतलब है तीन कार्बन, और ए मतलब सिंगल चेन। अगर यहाँ पे आई आ जाता है तो हम बोलेंगे आइडो प्रोपेन, आइडो मतलब हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, प्रोप मतलब थ्री कार्बन, एन मतलब सिंगल चेन, और जब यहाँ पे सीएल लगते हैं तो हम इसको बोलेंगे क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब देखो ये सिंपल प्रोपेन लिखा है हमने, और इसमें एल्कोहल के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं, और जब हम रीड करते हैं तो ओल करके रीड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपेनॉल, पड़ जाएगा।
फिर एल्डिहाइड, ये सिंपल लिखा हुआ है। एल्डिहाइड में हम सिंपली क्या करते हैं, लास्ट में डबल बॉन्ड ओ और एच लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम अल करके पढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा प्रोपेनल। ध्यान से देखना, ऊपर लिखे प्रोपेनोल और नीचे लिखे प्रोपेनल। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कीटोन की। तो कीटोन में क्या होता है कि जो बीच बीच में, यानी यहाँ पे तीन कार्बन है, तो बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लिख देंगे। ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको ओन करके पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि लास्ट में सी डबल ओ एच लगता है, तो यहाँ पे देखो आ गया हमारे पास सी डबल ओ एच आ गया, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे प्रोपोनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने बोला था तीन कार्बन है, तो प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड लगा है प्रोपेन, और लास्ट में ओइक बोलते हैं, प्रोपोनोइक एसिड। अब देखो यहाँ पे वैसे तो सिंपल प्रोपेन है ये, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है इसलिए हम इसको प्रोपीन बोलेंगे। स्टेम स्ट्रक्चर, बट इसमें जब हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो इसको बोलेंगे हम प्रोपाइन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और नेक्स्ट देखो, ये सब आपको पता लग गया। अब यहां पे देखना, मैथ वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगेगा कि ये जो नाम है जो मैंने आपको लिख के बताने हैं, उसमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कितने कार्बन है। देखो अब यहाँ पे देखो एथ वर्ड फर्स्ट में लिखा है और फिर सिक्स में लिखा है, यानी यहाँ पे दो कार्बन लगेंगे। फिर हम थर्ड के लिए प्रॉप, तो प्रॉप कहाँ पे लिखा है, सेवन्थ में लिखा हो, तो यहाँ पे तीन कार्बन हो गए। फिर ब्यूट, ब्यूट लिखा है हमारा थर्ड में, तो यहाँ पे फोर कार्बन हो गए। फिर हम देखेंगे पेंट, पेंट लिखा है सेकेंड में, तो यहाँ पे फाइव कार्बन हो गए, ठीक है। और इधर हेक्स लिखा है, तो यहाँ पे मतलब सिक्स कार्बन हो गए, ठीक है। अब देखो हम एथेनोइक एसिड कैसे लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये देखेंगे अभी। देखो यहाँ पे लिखा है एथेनोइक एसिड, राइट, एथेनोइक। अब देखो एथ लिखा है, एथ का मतलब है दो कार्बन, और ओइक एसिड इसका मतलब है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप, जिसके लिए हम लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ओ एच लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो दो कार्बन है, ये दो कार्बन ड्रॉ कर लिए, इनके वैलेंसी को हम कवर करेंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ गया ये स्ट्रक्चर एथेनोइक एसिड का, सी डबल बॉन्ड ओ और एच हमें लगाना है, ठीक है। फिर एथेनोइक का मतलब, तो यहां पे इस तरह से इसको ऐड करना है हमें सिंपली। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब हमें बताने की कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हम यूज करें, जैसे C2H4 और O2 हम यहाँ पे यूज कर लें। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे CH3C OH, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम ब्रोमो पेंटेन। अब देखो ब्रोमो का मतलब है कि Br फंक्शनल ग्रुप लास्ट में हम ऐड करेंगे, पेंट का मतलब है फाइव कार्बन, तो हमें यहां पे क्या करना है, फाइव कार्बन ले लेने हैं ये सिंपली, राइट, फाइव कार्बन, और इनकी वैलेंसी को कवर करेंगे। और सब जगह पे हमें क्या लिखना है, एच, बट लास्ट में हम लिखेंगे Br, ओके। और इसका IUPAC नेम है ब्रोमो पेंटेन। ब्रोमो लिखा है मतलब Br अटैच करेंगे इस चेन के साथ, हमें जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा लास्ट में हम Br ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ भी आ जाएगा C5 और H हो जाएंगे हमारे पास 5 5 10 और 11, और साथ में Br, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हमारे पास C5H11Br, और स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया हमारे पास CH3 CH2 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 और Br। ऐसे दिखेगा, यहाँ पे देखो ये CH3 हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम CH2, फिर Br, ओके। और नेक्स्ट देखेंगे हम ब्यूटेनॉल। अब देखो जब यहाँ पे ओन लगा है, मतलब कीटोन ग्रुप लगेगा, सी डबल ओ हम ऐड करेंगे बीच में, ब्यूट लिखे मतलब फोर कार्बन, तो देखो ये आगे हमारे पास फोर कार्बन। सिंपली हमें पहले ब्यूटेन बनाना है,
और बिटोन से फिर हमें कुछ आइटम्स हटा देनी है, और सेंटर में देखो हमें लगाना है सी डबल बॉन्ड ओ। ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, या यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखो यहाँ पे चार बन गए कार्बन, बाकी सबके साथ एच लगा देना है। और एक जगह पे देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगेगा, इसकी वैलेंसी फोर होनी चाहिए। तो देखो एक ही हो गया, ये दूसरा हो गया, और दो ये हो गई, फोर हो गई कंप्लीट, ठीक है। सबकी फोर फोर वैलेंसी आएगी। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया ब्यूटेनॉन। अब ओन लगा है तो सी डबल बॉन्ड ओ इस तरह से लिखेंगे। ये सब आपको आ गया, अब यहाँ पे बनाना है, ठीक है। और अब चलते हैं हम इसके मॉलिकुलर फार्मूला पे। तो मॉलिकुलर फार्मूला बनता है C4H8O, और स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा CH3CH2COCH3। नेक्स्ट है हेक्सेनल। ओके, ओ वाले लिखा है तो चेन में हमें क्या करना है, सिंपल हेक्सेन का डायग्राम बनाएंगे और लास्ट में OH लगा देना है हमें। हेक्स मतलब सिक्स कार्बन, तो अभी हमें सिक्स कार्बन लेने हैं और सबकी वैलेंसी फोर फोर हमें कंप्लीट करनी है, राइट। और लास्ट में हमें सिर्फ OH अटैच करना है, बाकी जो हेक्सेन का स्ट्रक्चर है वही है, पर लास्ट में हमें OH ऐड करना है इसमें। तो IUPAC नेम हो गया हेक्सेनल, और OL लगा तो मतलब लास्ट में हम OH लगाएंगे। मॉलिकुलर फार्मूला हो गया इसका C6H14O, और स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया CH3CH2CH2CH2CH2OH, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब स्ट्रक्चर बनाने आ गए होंगे कि किस तरह से आप इन स्ट्रक्चर्स को बनाओगे। अगर फिर भी अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।